अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों की दुआओं के साथ। तो आज की वीडियो का करते हैं आगाज़, और रात के टाइम में वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि आज है शबे बारात, और शबे बारात की है 15वीं रात, जो कि रात गुजारी जाती है और अल्लाह की इबादत की जाती है। तो आज हर साल की तरह और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सा बहुत अच्छा दिन है आज भी, तो हम रात गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत की जाएगी। और जिस तरह मैं रात गुजारती हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि किस तरह रात गुजारी जाती है। अभी तो फिलहाल मैं पढ़ूंगी ईशा की नमाज़, इन नमाज़ पढ़ने के बाद फिर पढ़ी जाएंगी नफर वगैरह, तो फिर उसके बाद अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे कुरान मजीद की तिलावत वगैरह, तो फिर यासीन है। जिस तरह के मैं पढ़ूंगी आप लोगों को भी आई दिखाती जाऊँगी कि हम लोग किस तरह रात गुजारते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज़, तो आई होप आप लोगों की भी शबे बारात की रात बहुत अच्छी गुजरे। अल्लाह हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जो भी दुआएं हो आप लोगों की अल्लाह कबूल करे, मेरी भी दुआएं जितनी भी हैं सभी कबूल की जाए, और आप सब लोगों के लिए मैं दुआएं इंशाल्लाह करूँगी, और आप लोग भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज की रात बहुत अच्छी रात है, अल्लाह हर किसी की दुआएं कबूल करें। तो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ नमाज से, इससे पहले कि देर हो जाए। तो ये आज की रात बहुत ही अच्छी रात है, जो भी दुआ है आप लोग ज़रूर मांगिएगा, सबके लिए मांगिएगा। तो चलो हम चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जिक्र वगैरह करेंगे। तो मेरी वीडियोज़ बनाने का बिल्कुल इस तरह का मतलब नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ कि आप लोग समझे कि आज आप नमाज़ पढ़ने लगी हो तो शो ऑफ कर रही हूँ, नहीं। मैं सिर्फ ऐसे बना रही हूँ कि जैसे मैं डेली अपना व्लॉग्स बनाती हूँ, इस तरह के हम रात किस तरह गुजारते हैं हर साल की तरह, तो इस साल भी हम किस तरह रात गुजारे हैं, तो इसलिए मैंने बनाई। तो आप प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा कि आप शो ऑफ कर रही हैं, तो काइंडली माजरत है। तो इस वजह से मैं वैसे भी आ गई, इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह सारे रोज़े रखे जाएंगे और मैं भी रखूँगी, और इंशाल्लाह सभी लोग रखते हैं रोज़े, अल्लाह सभी को तोफ़ी दे और ख़ास करके मुझे भी तोफ़ी दे कि मैं सारे रोज़े रखूँ, हिम्मत भी दे। तो चलो चलते हैं हम अपनी नमाज की तरफ। जी फ्रेंड्स, जानमाज बेच चुका है और अब जल्दी से हम नमाज नीत लेते हैं। जी फ्रेंड्स, नमाज हो गई हमारी और नफल भी मैंने पढ़ ली है, दुआ भी मांग ली है और सभी के लिए दुआ मांगी है, तो आप लोग भी ज़रूर मेरे लिए दुआ मांगिएगा। तो हम पढ़ लेते हैं सबक वगैरह, तो कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तिलावत करेंगे। पहले मैं जो सबक पढ़ूंगी, फिर उसके बाद यासीन पढ़ूंगी, फिर सूरह रहमान पढ़ूंगी। तो हम पढ़ ली जाएगी कुरान मजीद पकड़ लेते हैं, तो सूरह रहमान भी पढ़ लूँगी, सूरह यासीन भी पढ़ लूँगी, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर दुआ मांगेंगे। अल्लाह हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो जल्दी से पढ़ ली जाएगी सबक, तो मैं यहाँ से पकड़ लेती हूँ कुरान मजीद। तो यहाँ पे मैंने ले लिया सूरह रहमान, पहले मैं पढ़ लेती हूँ सूरह रहमान, फिर उसके बाद सूरह यासीन भी पढ़ ली जाएगी, फिर उसकी तिलावत भी होगी। तो पहले मैंने सोचा सफारा
तो मैं सवाल पढ़ लेती हूँ सूरह रहमान की आयत तिलावत की जाती है, फिर उसके बाद बाकी फ्रॉम जी सूरह यासिन पढ़ लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرحمن مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सूरह रहमान पढ़ ली और मैं पढ़ने लगी हूँ सूरह यासीन की तलावत की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कौन जी ले लेती हूँ। सूरह रहमान मैंने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी। जी फ्रेंड्स, ये मेरा माशाल्लाह कुरान मजीद, और तो यहाँ मैं पढ़ने लगी हूँ सूरह यासीन। तो सूरह यासीन की जाएगी तलावत। मैं जानमाज़ पढ़ ही बैठी हुई हूँ, तो अब हम पढ़ेंगे कुरान मजीद सूरह यासीन की करेंगे तिलावत। तो सूरह रहमान पढ़ ली, सूरह यासीन की जाएगी तिलावत, फिर उसके बाद देखें किसकी तिलावत करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सूरह यासीन की तिलावत कर लेती हूँ। जी फ्रेंड्स, अब हम सूरह यासीन पढ़ लेते हैं। सूरह यासीन मक्की जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم। जी फ्रेंड्स, हमारी यासीन की तिलावत हो चुकी है अल्लाह के हुक्म से। तो हमने यासीन की तिलावत कर लिया। मैं सोच रही हूँ तो जो मैं सबक होता है वो मैं अपना सबक भी पढ़ लेती हूँ, तो फिर उसके बाद अल्लाह के फिर नाम लेके फिर हम दुआ करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ सबक अपना पढ़ने के बाद सूरह यूसुफ भी पढ़ लिए जाए आज। तो मैं अपनी सूरह यूसुफ भी पढ़ लूँगी, और जो सबक है मेरा वो भी पढ़ने के बाद फिर सूरह यूसुफ भी पढ़ लूँगी। तो वैसे भी हमारा टाइम फिर अच्छे से गुजर भी जाएगा। तो चलो हम अपना सबक पढ़ लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे कुरान मजीद की होगी तिलावत कम्प्लीट। तो हम कुरान मजीद लगते हैं, तो मांगेंगे दुआ। तो जो भी हमने पढ़ा है तो अल्लाह हमारी जो कभी भी कबूल फरमाए, जो भी गलती से सबक की भी होगी अल्लाह माफ है। तो अब हम रखते हैं तो दुआ जी फ्रेंड, दुआ वगैरह तो हो गई है, तो अब हम जानमाज़ उठा लेते हैं। तो तय लगा के जानमाज़ भी रख देते हैं। तो मुझे लग रही है प्यास, तो थोड़ा सा पानी भी पी लेते, फिर उसके बाद उसके कमरे में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इसी कमरे में थी तो मैंने सोचा इसी कमरे में ही कुरान मजीद यही नमाज़ पढ़ के फिर यहीं पे कुरान मजीद पढ़ा जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा रात गुजर रही है। तो अल्लाह हम सबको अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, जो भी मैंने पढ़ा है अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो हमारी इसी तरह रात गुजर जाएगी, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं सूरह रहमान फिर दोबारा पढ़ूँगी। तो पढ़ने में तो काफ़ी मज़ा आया, सूरह यासीन और सूरह रहमान काफ़ी मज़ा आया। अब फिलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद फिर पढ़ूँगी। फिर मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही सोऊँगी स्कूल से, तो थोड़ी 2-3 घंटे के बाद सोने के बाद फिर हस्बैंड सुबह काम पर जाएंगे, फिर उसके लिए उठूँगी। तो अभी फ़िलहाल जानेवाज़ मेरे हाथ में ही है, तो अभी जानेवाज़ रखते हैं, फिर उसके बाद पानी पी के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम सब पढ़ेंगे। तो हमारी इसी तरह ही सभी रात की रात गुजरती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी अच्छी तरह गुजरती होगी, मेरी तो बिल्कुल इसी तरह गुजरती, बहुत मज़े की रात गुजरती है।